नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज है 30 जनवरी। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल ने प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के कुल मिलाकर 26 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या बीई या बीटेक या बीएससी में इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और कामकाजी अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 18 फरवरी 2021 तक बेल की आधिकारिक वेबसाइट www.bailindia.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। किसान मेला में गुलाबी पीली फूल गोभी ने सबका ध्यान किया आकर्षित। कृषि विभाग प्रांगण में आत्मा की तरफ से भागलपुर में आयोजित जिला स्तरीय 3 दिवसीय किसान मेले के तीसरे दिन प्रदर्शनी में कई स्टॉल में किसानों के खेत में तैयार उत्पाद लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शनी में गुलाबी और पीला फूल गोभी के स्टॉल पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। स्टॉल पर बटन मशरूम और ओएस्टर्न मशरूम लगाया गया था। मेले में लोगों की भीड़ इन अद्भुत चीजों को देखने के लिए लगातार जमा हो रही थी। वहीं बीते दिन मेले के समापन के समय कृषि मंत्री ने पुरस्कार का वितरण भी किया। फल और सब्जी प्रदर्शनी प्रतियोगिता में चयनित किसानों के उत्पाद गुणवत्ता के आधार पर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। बिहार कैडर के 20 आईपीएस अफसरों को मिली प्रोन्नति। गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार बिहार कैडर के 20 आईपीएस अधिकारियों को प्रोन्नति दे दी गई है। इसको लेकर गृह विभाग ने भी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद जिन अधिकारियों को कन्नीय वेतनमान में प्रोन्नति दी गई है उनमें कई जिलों के एसपी के नाम भी शामिल है, जिसमें आनंद कुमार, अवकाश कुमार, कुमार आशीष, रवि रंजन कुमार, दीपक रंजन, इनामुल हक, मैग्नू, आमिर जावेद, अशोक कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, राजीव रंजन, राकेश कुमार सिन्हा, नीरज कुमार सिंह, सुशांत कुमार सरोज, राजीव रंजन, रमन कुमार चौधरी, शैलेश कुमार सिन्हा, सत्य नारायण कुमार, सुशील कुमार, विजय प्रसाद, दिलनवाज अहमद का नाम शामिल है। कोविड टीकाकरण में अव्वल रहा बेगूसराय। बिहार में 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण में बेगूसराय ने बाजी मार ली है। मिली जानकारी के अनुसार 5 दिनों में हुए टीकाकरण कार्य में बेगूसराय जिले ने सबसे बेहतरीन काम खबर लिखे जाने तक किया है, जिसके तहत बेगूसराय में 15 केंद्र पर निर्धारित लक्ष्य 4573 में 3437 लोगों को टीका लगा दिया गया है, जिस वजह से 75.16% के साथ बेगूसराय जिला अव्वल रहा। वहीं 70.45% के साथ समस्तीपुर जिला दूसरे स्थान पर तो 68.66% के साथ खगड़िया जिला तीसरे स्थान पर रहा। बिहार के ईएसआई अस्पताल के लिए बहाली की प्रक्रिया हुई शुरू। राजधानी पटना के बिहटा स्थित ईएसआई अस्पताल में 15 फरवरी से सभी प्रकार की सुविधाएं आम नागरिकों को मिलने वाली है, जिसके तहत ओपीडी, इंडोर और ओटी की शुरुआत भी होने वाली है। इसको लेकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। श्रम संसाधन विभाग के मुताबिक अस्पताल को नियमित चलाने के लिए एनाटॉमी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, गायनी, फिजिकल मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन और फिजियोलॉजी के डॉक्टरों के साथ कर्मियों की बहाली 10 फरवरी तक हो जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार की वेबसाइट www.esic.nic.in/ministry-of-labor पर विज्ञापन निकाला गया है। प्रधान सचिव मिहिर कुमार की माने तो अस्पताल से लेकर पटना के पश्चिमी क्षेत्र के लाभुकों को लाभ होगा। बिहटा ईएसआई अस्पताल फिलहाल 300 बेड के साथ शुरू होने वाले हैं, जहां सभी तरह के इलाज बिल्कुल मुफ्त होने वाले हैं। वैशाली के कोरोनेशन टैंक या अभिषेक पुष्पकरणी में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। वैशाली संग्रहालय के सामने एक सुंदर झील है, जिसे कोरोनेशन टैंक या अभिषेक पुष्पकरणी के रूप में जाना जाता है। फूलों के पेड़ों और झाड़ियों से घिरा जलाशय का पानी पुराने दिनों में पवित्र माना जाता था, और ऐसा माना जाता है कि इस गणराज्य में जब कोई नया शासक निर्वाचित होता था तो उनको यहीं पर अभिषेक करवाया जाता था। आईसीएसई बोर्ड की वार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं होगा मार्च में। आईसीएसई में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए अहम सूचना। सीबीएसई के तर्ज पर आईसीएसई के छात्र को भी परीक्षा को लेकर चिंता सताई जा रही थी। हालांकि अब आईसीएसई ने यह साफ कर दिया है कि वार्षिक परीक्षा मार्च महीने में आयोजित नहीं होने वाली है। इसको लेकर बोर्ड ने अपना सर्कुलर भी जारी कर दिया है। इसमें साफ कहा गया है कि कोरोना और 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए आईसीएसई की परीक्षा को फरवरी मार्च में आयोजित नहीं करवाया जाएगा। हालांकि इस बाबत बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि परीक्षाओं की तारीख बाद में जारी की जाएगी। बोर्ड ने सभी स्कूल को सर्कुलर जारी कर समय पर स्कूल में नए सत्र को शुरू करने को भी कहा है।
नल जल योजना को लेकर सरकार ने दी राहत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना की शुरुआत पूरे बिहार में हो चुकी है। वहीं अब इस योजना को लेकर सरकार ने अहम निर्णय भी जारी किया है, जिसके तहत सरकार ने योजना में आने वाली बिजली बिल का खर्च खुद लेने का फैसला लिया है, जिस पर लगभग 150 करोड़ रुपए के खर्च आने की संभावना जताई गई है। पहले यह समस्या थी कि योजना पर होने वाले बिजली बिल का भुगतान कैसे किया जाएगा, हालांकि अब सरकार ने इस गुत्थी को सुलझा दिया है। फिलहाल एक वार्ड में मोटर पंप चलने से हर महीने औसतन 2000 रुपए बिजली बिल पर खर्च आ रहा है। पानी की बर्बादी नहीं हो, इसके लिए सभी वार्ड में मोटर पंप संचालन के लिए जिम्मेवार वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को सुबह 2 घंटे और शाम में 2 घंटे मोटर चलाने का निर्देश दिया गया है। भागलपुर के इंजीनियरिंग छात्र ने किया कमाल। बिहार के भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र रोबोटिक्स की दुनिया में कदम रख चुके हैं। कोरोना के माहौल में लगभग 10 छात्रों ने रोबोट के विभिन्न मॉडल पर अपने स्तर पर काम किया है। अंतिम दौरे में है रोबोट के प्रति छात्रों की रुचि को देखते हुए आने वाले दिनों में IIT मुंबई ई यंत्रा लैब खोलने जा रही है, जिसमें छात्रों को रोबोट से जुड़ी नई तकनीक से अवगत करवाया जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के 5वें सेमेस्टर के छात्र आकर्षण ने रोबोट गार्ड तैयार किया है, जो रात में घर की सुरक्षा करेगा। इसे ऑन देने पर यह चारों तरफ घूमकर चौकीदारी करता रहेगा। यही नहीं, किसी भी तरह की सूचना मिलने पर फौरन सेंसर बजेगा और घर में सोए लोगों को जगा देगा। अर्थशास्त्री शैवाल गुप्ता के अंतिम दर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश। बीते दिन अर्थशास्त्री शैवाल गुप्ता ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद बीते दिन के अंतिम दर्शन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे, जहां पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शैवाल गुप्ता के अंतिम दर्शन किए और परिवार को ऐसे समय में हिम्मत के साथ काम लेने की संतावना भी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि शैवाल गुप्ता का इस तरह जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। शैवाल काम के प्रति काफी सजग थे, उन्हें हर क्षेत्र की जानकारी थी, जिसकी वजह से बिहार सरकार ने उन्हें कई दायित्व भी दे रखा था। शैवाल गुप्ता बिहार के विकास के बारे में जो कुछ जानकारी उनके पास रहती थी, उसके बारे में वो हमसे पूछा भी करते थे, उनसे पुराने संबंध थे। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि उनके द्वारा ही तैयार की गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट इस बार बजट में जरूर पेश की जाएगी। मानव श्रृंखला को लेकर बनी सहमति। पटना में राबड़ी आवास पर बीते दिन अहम बैठक का आयोजन करवाया गया था। इसमें विपक्षी दलों के नेताओं ने रणनीति पर चर्चा की है। इसके साथ ही आज बनाए जाने वाले मानव श्रृंखला को लेकर भी चर्चा हुई। इसको लेकर बीते दिन ही पटना तेजस्वी यादव पहुंच चुके थे, जहां पहुंचकर उन्होंने लाल किले पर 26 जनवरी को हुई हिंसा की निंदा की। साथ ही इस मामले में संलिप्त लोगों को अब तक पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा है, इसको लेकर भी उन्होंने सरकार से सवाल किए हैं। इतना ही नहीं, मानव श्रृंखला बनाए जाने को लेकर भी उन्होंने चर्चा की है। वहीं तेजस्वी यादव ने लाल किले पर 26 जनवरी को हुई हिंसा की निंदा की है। साथ ही इस मामले में संलिप्त लोगों को अब तक पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा है, इसको लेकर भी उन्होंने सरकार से सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, मानव श्रृंखला बनाए जाने को लेकर भी चर्चा हुई है। ICDS निदेशक ने पोषाहार वितरण के लिए जारी किए नए आदेश। ICDS निदेशक ने आंगनबाड़ी से मिलने वाले पोषाहार वितरण को लेकर नए आदेश जारी करते हुए टोकन सिस्टम को खत्म कर दिया है। दरअसल इससे पहले राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर टोकन के जरिए पोषाहार दिया जा रहा था। यह टोकन SMS के माध्यम से भेजा जाता था, मगर OTP वेरिफिकेशन में तकनीकी समस्या आने से अब उस सिस्टम को बंद कर दिया गया है। इस नई प्रणाली के कारण कई लाभुक राशन नहीं ले पा रहे थे। अब पुराने सिस्टम के तहत ही सभी बचे लाभार्थियों को राशन दिया जाए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने 1948 में आज ही के दिन जान ले ली थी। 1890 में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1913 में प्रसिद्ध भारतीय महिला चित्रकार अमृता शेरगिल का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 30 जनवरी का दिन बेहद यादगार दिन है, क्योंकि इस दिन भारत ने अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समेत तमाम ऐसे शख्सियत को खोया जिनका हमारा राष्ट्र हमेशा कृतज्ञ रहेगा। शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने ली विधान परिषद की शपथ। बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मंत्री मुकेश सहनी और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन MLC की शपथ लेने के बाद विधान परिषद के नवनियुक्त सदस्य बन गए हैं। परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान CM नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री मौजूद रहे। दरअसल MLC के 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में विपक्ष की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया था, जिसके बाद दोनों नेता ने निर्विरोध रूप से जीत हासिल की। वहीं MLC बनने के बाद से ही शाहनवाज हुसैन को कैबिनेट विस्तार में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की अटकलें भी तेज हो गई है। उनका कार्यकाल मई 2024 तक का है।
पैक्स चुनाव 2021 के पहले चरण का चुनाव होगा आज। दो चरणों में होने वाले पैक्स निर्वाचन के पहले चरण का चुनाव आज होना है। मतदान सुबह 6:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। वहीं दूसरा चरण का मतदान 15 फरवरी को होने वाला है। मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी, जिसके बाद चुनाव का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। आज मनेर व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के लिए 2 मतदान केंद्रों पर मतदान होने हैं। मनेर के BDO इसके निर्वाचित पदाधिकारी होंगे। राजधानी में पछुआ हवा चलने से बढ़ी लोगों की परेशानी। बीते दिन पछुआ हवा के बहने के कारण कनकनी बढ़ गई है। तापमान गिरने से एक बार फिर पटना में कोल्ड डे की स्थिति हो गई है। सुबह घने कोहरे के बाद दोपहर को धूप के दर्शन भी हुए, मगर ठंडी हवाओं से लोग अपने घरों में दुबके रहे। मौसम विभाग के अनुसार ठंड से राहत के आसार फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। राजधानी पटना में बीते शाम अधिकतम तापमान 8 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। पटना के अपार्टमेंट में तेजी से लगाए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर। पटना के अपार्टमेंट में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इसको लेकर बिजली कंपनी लगातार काम करती दिखाई दे रही है। आपको बता दें, बिजली कंपनियों ने स्मार्ट मीटर से संबंधित दुविधाओं को दूर करने के लिए बिहार बिजली स्मार्ट मीटर नाम का एक मोबाइल ऐप भी तैयार कर दिया है। इस ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप में उपभोक्ता का नाम और मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालकर आप रजिस्टर करने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद उपभोक्ता बिजली बिल भुगतान करने के लिए सुविधा, रोजाना खपत हुए यूनिट, पहले वाले मीटर की बिल राशि संबंधित कई जानकारी भी ले सकते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए जारी हुआ निर्देश। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश में कहा गया है कि कोई भी प्रत्याशी अधिकतम 2 सेट में ही नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्याशी को नामांकन के लिए 2 बार शुल्क देने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि राज्यभर में 2,98,898 पदों के लिए चुनाव कराए जाने हैं। विभिन्न पदों के नामांकन के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं तथा अति पिछड़े वर्गों को नामांकन शुल्क में अतिरिक्त छूट भी दी गई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 100 कमरों का छात्रावास बनकर हुआ तैयार। बीते दिन छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 100 कमरे का स्नातकोत्तर छात्रावास का बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, सांसद अजय मंडल, प्रभारी कुलपति डॉ आरके सोहाने ने संयुक्त रूप से देर शाम फीता काटकर और पौधारोपण कर उद्घाटन किया है। इस दौरान कृषि मंत्री ने छात्रावास का भी निरीक्षण किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ग्राउंड प्लस 2 के 3300 वर्ग मीटर में बनाए गए इस छात्रावास में 6.65 करोड़ की लागत से प्रथम तल में 40 कमरे और दूसरे तल में 40 कमरे बनाए गए हैं। इसके साथ ही ग्राउंड में भी 20 नए कमरों को बनाया गया है। इतना ही नहीं, इस बाबत कृषि मंत्री ने कहा है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लगातार बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। छात्रावास काफी सुंदर बनाया गया है। BAU के तरक्की में मुख्यमंत्री नीतीश BAU के साथ पहले भी थे और अभी भी है। जदयू ने तेजस्वी की मानव श्रृंखला को बताया फेल। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने तेजस्वी यादव की मानव श्रृंखला को फेल बताया है। उन्होंने कहा है कि यह महज विपक्ष का दिखावा ही है। विपक्ष की इस मानव श्रृंखला में ना तो आम जनता शामिल होगी और ना ही किसान शामिल होंगे। वहीं भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि गणतंत्र दिवस के दिन हुए दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने हिंसक हुए आंदोलन से अपना समर्थन वापस नहीं लिया है और अब इसके समर्थन में मानव श्रृंखला बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। शाहनवाज ने लगाया डिप्टी सीएम या मंत्री बनने की अटकलों पर विराम। निर्वाचित विधान परिषद सदस्य और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने अपने डिप्टी सीएम या मंत्री बनाए जाने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए शाहनवाज ने कहा है कि मैं बस पार्टी के निर्देश पर बिहार विधान परिषद में आया हूं और एक कार्यकर्ता की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। दरअसल बीते दिन शपथ ग्रहण के बाद से ही अफवाहों का बाजार इस बात को लेकर गर्म था कि शाहनवाज को कैबिनेट विस्तार में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने जब तक कानून वापस नहीं तब तक विरोध खत्म नहीं की कही बात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं सरकार पर निशाना साधने का। वहीं अब तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि जब तक कृषि कानून की वापसी नहीं होगी तब तक सरकार पर निशाना साधने का काम जारी रहने वाला है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती तक दे दी है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि सरकार और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बात बात पर हिरासत में लेने की बात कहते आए हैं, तो अगर हिम्मत है तो हमें भी हिरासत में लेकर दिखाए। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्रकारों को भी 2 नसीहत देते हुए कहा है कि आप भी सोच समझ के बोलिए, नहीं तो अंदर जाइएगा। क्वारंटीन में जमकर पसीना बहाते दिखे विराट कोहली। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी से 4 टेस्ट मैच की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। दोनों ही टीम पहले ही 2 टेस्ट मैच के लिए चेन्नई पहुंच चुकी है और इस समय अपने क्वारंटीन पीरियड को पूरा कर रही है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया
को उसकी सरजमी पर टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराकर स्वदेश वापस लौटी थी। पेटर्निटी लीव के चलते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी 3 टेस्ट मैच मिस करने वाले नियमित कप्तान विराट कोहली चेन्नई में अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा कर रहे हैं। इसको लेकर कोहली ने इंस्टाग्राम पर अपने वर्कआउट का एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में विराट साइकिलिंग करते नजर आ रहे हैं। कोहली ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि परफेक्ट म्यूजिक और जिम का सामान, यही चाहिए आपको क्वारंटीन के दिनों में। किसानों के समर्थन में पप्पू यादव ने फिर से शुरू किया अनशन। किसानों के समर्थन में जन अधिकार पार्टी के मुखिया ने एक बार फिर से अनशन की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन पटना के गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के नीचे सैकड़ों किसानों के साथ साथ आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक दिवसीय अनशन वो करते देखे गए। इतना ही नहीं, उन्होंने किसान आंदोलन के तहत हिंसा उकसाने में सामने आए नाम दीप सिंधु को लेकर भी केंद्र सरकार से जवाब की मांग की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो भी हुआ वो गलत था, लेकिन केंद्र सरकार पहले ये बताए कि आखिर यह सिद्धू कौन है जिसने किसान आंदोलन को खत्म करने की साजिश रची है। 8 फरवरी से 6 से 8 तक के छात्र जा सकेंगे स्कूल। बिहार क्राइसिस मैनेजमेंट की बीते दिन हुई बैठक में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों के स्कूल जाने को लेकर बड़ा फैसला हुआ है, जिसके तहत अब ये छात्र 8 फरवरी से स्कूल जा सकते हैं। हालांकि क्राइसिस मैनेजमेंट ने कोरोना के प्रोटोकॉल पालन करने के लिए भी निर्देश जारी किया है, जिसके तहत 50% छात्रों को ही अभी स्कूल जाने की अनुमति होगी। हालांकि 100% शिक्षक स्कूल जा सकते हैं। वहीं इससे पहले 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चल रही हैं। हालांकि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इन कक्षाओं का भी संचालन करवाया जा रहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विकास महतो, नीतीश कुमार, रंजन शर्मा, उदित नारायण, वाल्मीकि सिंह, रीना कुमारी, गौतम कुमार, ओमकार सिंह, राजदीप कुमार, चंदन कुमार, कौशल कुमार, मंडान यादव, सुरेंद्र शर्मा, संजीव मंडल, रमेश कुमार, गुनगुन कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में मंडी सिस्टम को हटाने का फैसला किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।